हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 7 जो हमारा चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम प्रश्नावली 7.2 वो पढ़ाई करेंगे। चलो, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है अनुपात का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि x इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 उसके बट्टे में m1 + m2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि m1 और m2 क्या है। तो कोई दो बिंदु आपको दिए गए हैं, वो दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए अगर आप एक लाइन खींचो, फिर उसको अगर विभाजन करना बोले, काटने को बोले, तो भाई किस अनुपात में काटा है, जो भी अनुपात आपको बोला गया है उसके हिसाब से आपको m1 और m2 लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही y में m1y2 + m2y1 उसके बट्टे में m1 + m2। ओके, चलो एक एग्जांपल ही लेते देते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लिया हमने कोई बिंदु P(x,y) है, ठीक है, और दो बिंदु है -1, 7 और 4, -3। अब कौन सा अनुपात है 2:3, यानी कि m1 2 और m2 रहेगा 3, ठीक है। पहले वाले को m1, दूसरे वाले को m2। अब फॉर्मूला बिठाओ m1 x2 x1 -1 x2 - 4 y1 - 7 और y2 - -7। फिर उस हिसाब से फॉर्मूला डालोगे तो 4 × 8 + 3 × -1 - 3 5/5 का आंसर आएगा 1। ठीक वैसे ही y, तो 2 × -3 - 6 + 21 = 15/5 यानी कि 3। तो आपका आंसर आया 1 और 3, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरी प्रश्नावली में आपको करना है, ठीक है। चलो अब आगे दूसरा, दो बिंदु आपको दिए गए हैं, आपको बोला है कि उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, त्रिभाजित मतलब दो बिंदु हो गए तब भी जाके तीन भाग पड़ेंगे, तो वो दो जो बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मान लिया रेखाखंड AB है, उसको दो बिंदु यानी कि P और Q त्रिभाजित करते हैं। बिंदु P है, आप फिगर में देख सकते हो, बिंदु P है वो AB को 1:2। अब आप ये सोच रहे कि सर 1:2 क्यों आया, देखो 3 इक्वल भाग है तो AP एक भाग और दूसरा भाग हो गया PB, यानी कि दो भाग उसके हो गए, इसलिए यहाँ पे लिया गया है 1:2। फिर इसमें से आपको पता चल जाएगा, ठीक वैसे ही अगर बिंदु Q है तो वो AB की ओर से 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो आप ये देखो, P के अगर निर्देशांक हमें ढूंढने हो तो m1 उसमें रहेगा 1 और m2 रहेगा 2। ओके, फिर फॉर्मूला डाला कि m1x2 + m2x1 / m1 + m2। फिर फॉर्मूला के अंदर सब वैल्यू डाल दी तो आंसर आया -2 + 8/3 यानी कि 6/3, तो 3 × 6 = 2। और y, तो उसमें वैल्यू डालने पर आंसर मिला -5/3। तो अब बिंदु P के हमें निर्देशांक मिल गए 2 - 5/3, ठीक है। अब देखो Q के निर्देशांक उसने माना है कैपिटल X और कैपिटल Y,
उसमें भी देखो कि भाई एम वन और एम टू, तो देखो क्यू है वो ए बी की ओर से दो अनुपात एक, तो एम वन रहेगा दो और एम टू रहेगा एक। उस हिसाब से फॉर्मूला में डाल दिया तो एक्स निर्देशांक मिला ज़ीरो और वाई निर्देशांक मिला -7/3। ओके समझ में आ रहा है, चलो आगे। अब क्वेश्चन 3 में है कि भाई आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी में, आप देख रहे हो नीचे फिगर में कि भाई एक आयताकार मैदान है, उसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएंगी, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर, ए डी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। ए डी आपको फिगर में दिख रहे हैं, उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया है। चलो अब निहारिका दूसरी पंक्ति में ए डी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, कौन? निहारिका, एडी के 1/4 के भाग में बराबर, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? कुछ नहीं, पूरा इजी है, सिर्फ निर्देशांक ढूंढो। चलो तो आप देख रहे हो कि ए बी और ए डी एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। चलो अब हरे झंडे की स्थिति, तो यहाँ भी दिखा है 2 और 100/4, 2 यानी कि दूसरी पंक्ति है, इसलिए तो एक्स हो गया 2, 100/4 मतलब देखो तो 1/4 भाग, तो 100 का 4th भाग यानी कि कितना हुआ, 25 हुआ, तो पहला मिल गया 2 और 25। अब दूसरा लाल झंडे की, तो वो 8वीं पंक्ति में है इसलिए एक्स लिखा 8 और 100/5 यानी कि 20। अब आपको बोला है दोनों के बीच की दूरी, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो x2 - x1² + y2 - y1² उसके हिसाब से आप देखो तो 8 - 2 यानी कि 6 का वर्ग, 20 - 25 यानी कि -5 का स्क्वायर, 6 का 36, 5 का 25, 36 और 25 हो गया √61। अब आपको बोला है कि दोनों झंडों के बीच में ही, तो बीच में यानी कि तो वो हो गया मध्य बिंदु और उसका फॉर्मूला है एक्स का, तो x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। ठीक है, तो अब एम है तो वो दो जो निर्देशांक है वो दोनों का मध्य बिंदु हो गया, तो 2 + 8 = 10, 10/2 यानी कि 5, और 25 और 20/2 तो 45/2 यानी कि 22.5। ओके चलो आगे। अब चौथा क्वेश्चन देखो, आप ऊपर आ गया, 2 निर्देशांक दिए हैं, अनुपात देते हैं और आपको बोला है आप बिंदु ज्ञात करो। अब आपको क्या दिया है, 2 बिंदु भी दिए हैं, रेखाखंड को जो जोड़ने वाले और अनुपात जो करते हैं, जो बिंदु अनुपात करता है वो बिंदु भी दे दिया है। आपको बोला है कि अनुपात में विभाजित यानी कि M1 और M2 वो ज्ञात करना है, तो 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं -3 = 10 और 6 - -8, और P यानी कि -1 - 6 वो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है चलो, तो फॉर्मूला हमारा ठीक वैसा ही x और y का, तो -1 - 6 और फॉर्मूला हमारा x2 m1 + m2 x1 / m1 + m2 ये हो गया x का,
उसके बाजू में ही m1y2 m2y1 बटे में m1 + m2 हो गया। उसके बाद सबकी वैल्यू डाल दो, x2 की, x1 की, y2 की और y1 की। उसके बाद 6m1 प्लस ब्रैकेट में -3m2 बटे में m1 + m2 और -8m1 + 10m2 बटे में m1 + m2। चलो अब x का निर्देशांक उसके सामने वो लिख दो और y का निर्देशांक उसके सामने वो चीज़ लिख दो। -1 है तो उसका x है इस साइड, तो इस साइड भी x, दोनों और कर दिया। फिर दोनों का सिंपल m1 + m2 उसका एक -1 के साथ गुणा करो और फिर -1 का सबके साथ गुणा करने पर m1 और m2 को एक साइड कर दो। फिर m1 के बट्टे में m2 यानी कि -2/7। आप x वाले को इक्वल दिखा सकते हो या तो y वाले को, आप किसी को भी इक्वल दिखाओगे आपका आंसर तो एक ही आएगा, कौन सा, 2/7। ओके चलो, आपको बोला है कि भाई वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1-5 और -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ओके चलो, अब तो कि वो बिंदु हमने मान लिया कि कौन सा है, xy, और x अक्ष को, यानी कि x अक्ष को अगर बोला है तो हम x अक्ष k लेंगे, यानी कि k अनुपात 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है अनुपात। तो हमें यह भी पता है कि भाई बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है यानी कि y तो 0 रहेगा, तो x की जगह पे x डाल दो, बाकी हमारा जो फॉर्मूला है वो डाल दो। तो देखो डाल दिया, m1 रहेगा k, m2 रहेगा 1, फिर तो x मिला -4k + 1/k + 1 और y देखो 0 डाल दिया, 0 के साथ गुणा करने पर 0, तो 5k - 5 = 0। फिर देखो y में 5 को उस साइड जाने के, तो 5k = 5, 5k/5 तो 5 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1, यानी कि k की वैल्यू मिलेगी 1। ओके चलो, अब देखो, अब जो यहाँ पे k की वैल्यू मिल रही है आपको 1, वो x वाले में डाल दो, जो यहाँ पे है ना x ब्रैकेट में k + 1 वहाँ पे, तो वहाँ पर डालने पर 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि 2x = -3, तो x आएगा -3/2, तो आपको मिल गया वो बिंदु, तो b होगा -3/2 और 0। x अक्ष को बोला है इसलिए y निर्देशांक 0 लिया, अगर y अक्ष का बोला होता तो हम x वाले निर्देशांक लेंगे 0। ओके चलो छठा, यदि बिंदु आपको दिए है कि 1, 2, 4y, x6, 3, 5, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। आपको बोला है देखो 4 शीर्ष बिंदु दिए हैं, समांतर चतुर्भुज है ये भी दे दिया। ठीक है, तो आपको बोला है कि x और y जो दिख रहे हैं 4 बिंदुओं में वो ज्ञात करना। तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु P, मान लीजिए कोई बिंदु P पर समद्विभाग करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाग यानी कि दो भाग करते हैं इक्वल। तो अब P के निर्देशांक मान लीजिए x और y, ठीक है, तो P है वो किस किस का है, तो देखो कि भाई P यहाँ पे आप देख सकते हो कि x = x + 1/2 यानी कि a और c का x याम दोनों का योग 2 और b और d का x याम यानी कि 3 + 4/2। तो देखो x + 1 = 7, तो एक उस साइड जाएगा तो x = कितना आएगा, 6।
एक्स प्लस वन बटे में दो इज इक्वल टू तीन प्लस चार बटे में दो, दोनों को इक्वल दिखाया बटे में से दो दो कट गए, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू तीन प्लस चार, तो चार और तीन हो गए सात, एक उछड़ जाने पर छः एक्स मिल गया छः। अब ठीक वैसे ही दोनों के वाई को निर्देशांक को इक्वल दिखाइए, तो पाँच प्लस वाई बटे में दो इज इक्वल टू छः प्लस दो बटे में दो, बट्टे वाले जो दो दो है वो काट दो, फिर पाँच प्लस वाई इज इक्वल टू छः और दो आठ, पाँच उछड़ जाएगा तो तीन, तो आपको मिल गया एक्स इज इक्वल टू छः और वाई इज इक्वल टू तीन। ओके चलो आगे, क्वेश्चन नंबर सातवां, कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र आपको दे दिया है दो माइनस थ्री और बी के निर्देशांक भी दे दिए है एक और चार, तो हमें पता है कि भाई वृत्त का केंद्र व्यास को सम विभाजित करता है यानी कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का नाम लो एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे में दो, वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में दो, ओ है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो उसके एक्स याम यानी कि दो इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बट्टे में दो, फिर गुणा करो दो दूनी चार, एक उछड़ जाने पर एक्स इज इक्वल टू मिल गया तीन। ठीक वैसे ही वाई निर्देशांक माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस फोर बट्टे में दो, तीन दूनी छः माइनस छः, चार उछड़ जाएगा तो माइनस छः माइनस चार यानी कि माइनस दस, तो एक के निर्देशांक मिल जाएगा आपको थ्री माइनस दस। ओके चलो आगे, अब आपको बोला गया है आठवां कि यहाँ पे देखो आप ए और बी बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं माइनस दो और दो माइनस फोर, आपको पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि ए पी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे अनुपात वाला फॉर्मूला है ना वही चीज़ करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले क्या, दो बिंदु ए और बी दिए हैं, ठीक है आपको ये दिया है ए पी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर ए बी, अब ए बी को आप ए पी के बट्टे में लाओगे तो ए पी के बट्टे में ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई फोर सेवन, ऊपर आप फिगर में देखो तो ए बी यानी कि ए पी और पी बी दोनों का योग करोगे तब जाके ए बी मिलेगा, ठीक है तो आप सिंपल ए पी बट्टे में ए बी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन, ठीक है तो सात यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए पी प्लस ए बी इज इक्वल टू सात और ऊपर ए पी इज इक्वल टू तीन, फिर नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे, योग वियोग का ही इसको कहा जाता है। फिर आप देखो दोनों ए पी को ए पी के बट्टे में डाल दो प्लस बी पी के बट्टे में ए पी डाल दो, तो ए पी ए पी कट जाएंगे सात यानी कि तीन प्लस चार, तीन के बट्टे में तीन, चार के बट्टे में तीन, तीन तीन कट जाएंगे तो एक, फिर दोनों की साइड एक एक कट जाए तो बी पी बट्टे में ए पी इज इक्वल टू चार माइनस चार बट्टे में तीन यानी कि ए पी होगा तीन और बी पी होगा चार। सिंपल आप इतना ध्यान में रख लो, ए पी आपको तीन दिया गया है ऊपर तो पी बी कितना होगा चार ही होगा, ये तो पक्का ही है लेकिन ये सिद्ध करना पड़ेगा इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो अब आपको मिल गया कि पी है वो ए बी को थ्री अनुपात चार में विभाजित करता है, तो एम वन थ्री रहेगा एम टू रहेगा चार, फिर एक्स निर्देशांक तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो डाला है हमने ए एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टे में एम वन प्लस एम टू, फिर ये फॉर्मूला आप डालोगे तो आपका आंसर एक्स मिलेगा माइनस दो बट्टे सात और वाई मिलेगा माइनस बीस बट्टे में सात। चलो नंबर नौ, बिंदु ए और बी निर्देशांक तो दिए ही है को जोड़ने वाले रेखाखंड को चार बराबर भागों में विभाजित करना। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था वो सम त्रिभाग यानी कि तीन भाग में, यहाँ पे चार भाग यानी कि बिंदु कितने हो गए तीन, तो यहाँ पे देखो बिंदु ले लिए P1, P2 और P3,
सभी भाग इक्वल ए पी वन, पी वन पी टू, पी टू पी थ्री, पी थ्री बी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में कि पी टू है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है। ठीक वैसे पी वन है वो ए पी टू का मध्य बिंदु है और पी थ्री है वो पी टू पी बी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हमें मिलेगा पी टू, तो ए बी का मध्य बिंदु यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे में दो और वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में दो। तो उस हिसाब से फॉर्मूला डाला तो पी टू ये का मिल गया 0.5, ये पी टू मिल गया। अब अभी हमने जस्ट कहा कि पी वन है वो ए पी टू का मध्य बिंदु है, तो उस हिसाब से उसमें भी फॉर्मूला बिठाओगे एक्स वन एक्स टू बट्टे में दो, वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में दो, तो उसका आंसर रहेगा माइनस वन सात बट्टे में दो। ठीक वैसे ही पी थ्री है वो पी टू बी का मध्य बिंदु है, उसमें भी आप एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे में दो, वाई वन प्लस वाई टू बट्टे में दो फॉर्मूला बिठाओगे तो उसका आंसर रहेगा एक और तेरह बट्टे में दो, यानी कि तीनों बिंदु हमें मिल गए 0.5 माइनस एक सात सेवन बट्टे में दो और एक तेरह बट्टे में दो। ओके चल दसवां, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष इसी क्रम में यानी कि 3.0, 4.5 माइनस 1.4 और 2-1 है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। ओके चलो, सम चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं के यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं, फिगर भी आपको दिए गए हैं, फॉर्मूला भी पता है कि वह 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण उसके है AC और BD। तो सबसे पहले हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे उसने दूरी ज्ञात की AC की, तो फॉर्मूला हमारा बिठाया x2 माइनस x1 ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑल स्क्वायर। उस हिसाब से उसने AC की दूरी ज्ञात की तो वो मिली 4√2। फिर उसने क्या किया, फिर उसने विकर्ण जो दूसरा है यानी कि BD उसकी दूरी ज्ञात की तो उसका आंसर मिला 6√2। दोनों मिल गए देखो AC और BD। फिर उसने फॉर्मूला बिठाया एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुणा 4√2 गुणा 6√2। √2 यानी कि 2, 4 गुणा 6 यानी कि 24 और 24 गुणा 2 यानी कि 48 और 48 का आधा यानी कि 24। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको मिल गया कितना आया 24। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 7.2 ख़त्म होती है और यहाँ पूरी प्रश्नावली जो है 7.2 उसमें हमारा विभाजन यानी कि जो अनुपात वाला फॉर्मूला है वो यूज़ किया है और कुछ कुछ एग्जांपल में दूरी जो ढूंढते हैं प्रश्नावली 7.1 में जो दूरी वाला जो फॉर्मूला यूज़ किया वो भी यूज़ किया है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है वो आपको फेयर बुक में लिखना है, समझना है, फिर लिखना है। पहले आप पूरा एग्जांपल समझो, समझ में आ जाए, फिर आप लिखो। ओके और ये पूरा चैप्टर आईएमपी है और सिलेबस में कटौती की उसमें हमारा प्रश्नावली 7.2 तक का ही इस चैप्टर में सिलेबस है, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम में भी आपको प्रश्नावली 7.2 तक ही पूछा जाएगा, इसलिए आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझो और याद रखो। और अगर आपको समझ में ना आए तो एनी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हो।
ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आप एक एग्ज़ाम्पल करो, समझ में ना आए या तो कोई गलती आप करो और अगर आंसर ना आए तो आपको वो छोड़ना नहीं है, वापस और एक बार ट्राई करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।